और चलिए शुरुआत करेंगे सहारनपुर की खबर के साथ। देहरादून रोड हाईवे पर अचानक एक गद्दे बनाने की फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में फायर सर्विस वालों को सूचना दी गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग से लाखों का नुकसान हुआ है ऐसा जरूर बताया जा रहा है। तो सहारनपुर से खबर है, ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भीषण आग लगी है, उठता हुआ धुआं ये तस्दीक कर रहा है कि आग ने विकराल रूप लिया। चूंकि गद्दे बनाने वाली फैक्ट्री थी, जाहिर सी बात है कि आग ने जल्दी ही विकराल रूप ले लिया। आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन तब तक लाखों के नुकसान की आशंका जरूर जताई जा रही है। तो सहारनपुर से ये आग लगने की तस्वीरें सामने आई हैं। उधर बरेली में सर्राफा कारोबारी की हत्या का लाइव वीडियो सामने आया है। दो हमलावरों ने ज्वेलरी शॉप में घुसकर गोली मारी थी। सर्राफा कारोबारी कमल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी हमलावरों का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। सुभाष नगर थाना क्षेत्र के गणेश नगर की ये पूरी वारदात है। देखिए सीसीटीवी फुटेज पर आपको दिखा रहे हैं कि ये जो बंदे हैं, ये जो बदमाश हैं, वो घुसते हैं दुकान में और उसके बाद फिर किस तरीके से बेखौफ होकर बंदूक तान कर गोली मारकर मौके से फरार हो जाते हैं। उधर मुरादाबाद में होटल की सीट के लिए जमकर मारपीट हुई है। दरअसल कटघर थाने के ठीक बगल में पंजाबी खाने का होटल है जिसे बीजेपी के नगर संयोजक कमल चड्ढा और उसके भाई चलाते हैं। देर रात होटल में क्षेत्र का दबंग प्रमोद टैगोर अपने 3 साथियों के साथ वहां खाने खाना आया। इस दौरान सीट पर बैठने को लेकर उसका होटल स्वामी से विवाद हो गया, जिसके बाद प्रमोद टैगोर नाम के दबंग ने चाकू और डंडे लेकर संजीव की पिटाई शुरू कर दी। संजीव को बचाने जब उसके कर्मचारी आए तो दबंग और आग बबूला हो गए। काफी देर तक होटल में दबंगों ने तांडव किया। हैरानी की बात तो यह है कि घटना के समय पास में कटघर थाने के सिपाही भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने दबंगों को रोकने की कोशिश नहीं की और ये जो ड्रामा है ये होटल में चलता रहा। होटल मालिक की पिटाई होती रही, सिपाही वहां पर मौजूद था, लेकिन उसके बावजूद किसी ने भी रोकने की जहमत नहीं की। और अब खबर पीलीभीत से, जहां गांव के ही दबंगों ने प्रधान की जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला बीसलपुर इलाके का है, जहां बीती रात गांव के कुछ युवकों ने प्रधान पति अशफाक को फोन करके ईदगाह चौराहे पर बुलाया और उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। मारपीट का वीडियो किसी शख्स ने बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पूरे मामले में हैरत की बात तो ये रही कि पुलिस ने पीड़ित पक्ष की ना सुनकर दबंगों की तहरीर पर पीड़ित के खिलाफ कार्रवाई कर दी। वहीं पुलिस ने दबंगों की शरीर पर प्रधान पर ही कार्रवाई कर दी। मामले को लेकर पीड़ित प्रधान ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। उधर हाथरस में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। मामला सासनी कोतवाली इलाके का है, जहां जमीन को लेकर दबंगों ने एक घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद पीड़ित परिवार के लोग भी आ गए और दबंगों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच जमकर बवाल शुरू हो गया। सरेआम चल रहे बवाल का वीडियो पड़ोसियों ने बनाकर पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक दबंग मौके से फरार हो गए। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस आरोपी दबंगों की तलाश कर रही है। तो हाथरस से तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, घर में घुसकर महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई है। दरअसल ये जमीनी विवाद बताया जा रहा है, जिसको लेकर दो पक्षों में लड़ाई झगड़ा चल रहा था और देखते ही देखते इस विवाद ने कैसा रूप लिया है वो तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। दोनों पक्षों के बीच में लाठी डंडे चले हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है।
उधर मुजफ्फरनगर में बेखौफ बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया है। वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो चुकी है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि दो बाइक सवार बदमाश दोपहर के वक्त पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं, फिर सीधे मैनेजर के केबिन में पहुंच जाते हैं, जहां वो हथियार के दम पर कर्मी को बंधक बना लेते हैं और फिर काउंटर में रखी नकदी लेकर फरार हो जाते हैं। वारदात के बाद पेट्रोल पंप कर्मी मामले की जानकारी पुलिस और मालिक को देते हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब लुटेरों की तलाश में जुटी हुई है। पीड़ित कर्मियों के मुताबिक बदमाशों ने इस दौरान पंप पर रखी 2 लाख की नकदी लूट ली। नई मंडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक पेट्रोल पंप पे लूट हुई है, जिसमें दो बाइक सवार बदमाश थे जो आए और यहाँ से कैश लेके चले गए। और जैसे ही सूचना मिली, हमारी क्राइम ब्रांच की टीम, थाने की टीम और हम स्वयं मौके पे आए और पूरी तरह से घटना का एक एक बिंदु वाइज पूरा अच्छे से निरीक्षण किया गया है और इसमें कुछ अहम सुराग भी हमें मिले हैं और मुझे आशा है कि बड़ी जल्दी ही इसमें कार्रवाई करते हुए हम पूरी बरामदगी के साथ घटना का सफल अनावरण करेंगे। और अब बात कानपुर की करेंगे, जहां डीजल चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। दरअसल चौकी से महज 500 मीटर की दूरी पर यह चोरी हुई है। ड्राइवर को कट्टे की नोक पर बंधक बनाया गया और फिर इस वारदात को अंजाम दिया गया। बिल्हौर थाना क्षेत्र के उत्तरीपुरा चौकी में डीजल चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और ये जो घटना ताज़ा सामने आई है वो सुबह 6:27 पर हुई है और यहाँ से पुलिस चौकी महज 500 मीटर की दूरी पर है। फरुखाबाद में सनके की गिरफ्त में दहशत के कई घंटे बिताने वाले 23 बच्चों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सम्मानित किया। सीएम ने बंधक बच्चों के धैर्य और ऑपरेशन मासूम सफल बनाने वाली पुलिस टीम को सम्मानित करने का ऐलान किया था, जिसके तहत सीएम ने बंधक रहे 23 बच्चों को स्कूल बैग और गिफ्ट देकर सम्मानित किया। साथ ही ऑपरेशन मासूम का हिस्सा रहे 60 पुलिसकर्मियों को भी सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि बीते 30 जनवरी को फरुखाबाद में सनकी सुभाष पाथम ने अपने घर में 23 बच्चों को बंधक बना लिया था, जिसके बाद आईजी जोन कानपुर को सीएम ने ऑपरेशन मासूम की कमान सौंपी थी। करीब 11 घंटे चले इस ऑपरेशन में सभी 23 बच्चों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया था। इस ऑपरेशन के दौरान बंधक बच्चों में शामिल 14 साल की अंजलि की बहादुरी की जमकर तारीफ हुई थी, जिसने सिलेंडर बम से तार हटाकर आरोपी सुभाष पाथम के मंसूबों पर पानी फेर दिया था। अंजलि की बहादुरी को देखते हुए जिला प्रशासन ने उसे सम्मानित करने की बात कही थी। अंजलि सहित सभी 23 बच्चों का सीएम ने सम्मान किया। वहीं बस्ती पुलिस ने जाली नोटों की तस्करी करने वाले गैंग का खुलासा किया है। एसपी हेमराज मीणा के निर्देशन में एसओजी टीम और कलवारी थाने की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर एक सड़ा पुल के पास से 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पकड़े गए नोट तस्कर पिछले 1 साल से जाली नोट छापने का काम कर रहे थे और जिले में इन फर्जी नोटों को खपा देते थे। ये गैंग सिर्फ 200 के जाली नोट छापता था ताकि आसानी से इन्हें कोई पकड़ ना सके। वह
वहीं आगरा से एक वकील के अपहरण की जानकारी से हड़कंप मच गया। परिजनों ने पुलिस को सूचना देकर फिरौती मांगे जाने की बात भी कही है। दरअसल फिरोजाबाद के रहने वाले वकील अकरम 3 फरवरी को अपने किसी रिश्तेदार को देखने के लिए आगरा आए हुए थे, जहां से उनके साढ़ू ने रात में वापस जाने के लिए ऑटो में बैठा दिया। लेकिन जब रात तक अकरम अपने घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने संपर्क साधने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि उसके बाद से उनका फोन बंद बता रहा है। फिर 2 दिन पहले बुधवार को अकरम के भाई के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई, जिसने अकरम के बदले 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग की है। पीड़ित परिजनों ने मामले की शिकायत सिकंदरा थाने में दर्ज कराई है। पीड़ितों की शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मेरे भाई सुबह अपने ऑफिस के लिए निकले थे, वहाँ से ऑफिस के टाइम पर 3 बजे वहाँ से मेरे छोटे भाई मुकर्रम ने उन्हें छोड़ा था आगरा के लिए। क्या करने गए थे आगरा? मरीज को देखने गए थे वहाँ। वो ये 3 तारीख की बात है। वहाँ पर पहुँच कर उन्होंने मरीज को देखा, मरीज के बाद अपने साढ़ू साहब से मिलने गए, उनके साथ में उनका फ्लैट देखा। फ्लैट के बाद जो वो उन्होंने कारगिल पेट्रोल पंप पर उन्होंने छोड़ा, उसके बाद से उनके फ़ोन लोकेशन जो है वो बंद जा रही थी। थाना क्षेत्र सिकंदरा के अंदर एक मुकदमा भी लिखा गया है, 364A में अपहरण का मुकदमा है और एक व्यक्ति का अपहरण होने की सूचना उनके भाई द्वारा दी गई थी। एक उनको फिरौती के लिए संभवतः एक कॉल भी आई थी, इसीलिए मुकदमा पंजीकृत तुरंत किया गया था। इसमें कई टीमें श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और IG महोदय के निर्देशानुसार गठित की गई है। दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्भया के दोषियों का नया डेथ वारंट जारी करने से इनकार कर दिया। इससे पहले दिल्ली सरकार ने पटियाला हाउस अदालत में याचिका लगाकर निर्भया के दोषियों के लिए नया डेथ वारंट जारी करने की गुजारिश की थी, जिस पर अदालत ने सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया है। इस याचिका में कहा गया था कि निर्भया के किसी भी दोषी का अब कोई आवेदन पेंडिंग नहीं है। अक्षय, मुकेश और विनय अपने सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल कर चुके हैं, जबकि पवन ने अब ना सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव लगाई है और ना ही राष्ट्रपति के सामने दया याचिका लगाई है, क्योंकि अब किसी भी दोषी की कोई भी याचिका पेंडिंग नहीं है, इसलिए दोषियों का नया डेथ वारंट जारी होना चाहिए। आज कोर्ट में जो प्रशासन ने अक्षय, विनय, पवन और मुकेश को फांसी लगाने के लिए डेथ वारंट इश्यू करने के लिए एप्लीकेशन लगाई थी, उसको कोर्ट ने पूरी तरह से डिसमिस कर दिया है और कोई भी आगे की डेट डेथ वारंट के लिए नहीं दी है। क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूं, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार, जब पटियाला हाउस कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था फांसी की सजा को सनड आई अनिश्चितकालीन के लिए पोस्टपोन कर दिया था, उस ऑर्डर के अगेंस्ट तुरंत सैटरडे को दिल्ली हाईकोर्ट चले गए, सैटरडे को कोर्ट खुलवा दी, संडे को कोर्ट में सुनवाई करवा दी, बुधवार को जल्दी से ऑर्डर करवा दिया और उस ऑर्डर में भी दिल्ली हाई कोर्ट ने भी पटियाला हाउस कोर्ट के जो आदेश दिया था अनिश्चितकालीन के लिए फांसी को टालने का, उसको बरकरार रखा। मुजफ्फरनगर पुलिस की वाहन चेकिंग के दौरान बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। मामला जिले के मीरापुर थाना क्षेत्र के कासमपुर जंगलों के पास पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान उधर से पशु तस्कर गुजर रहे थे, जिन्होंने पुलिस को देखते ही भागने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने जंगलों में उनकी घेराबंदी कर ली। खुद को घिरा देखकर फायरिंग शुरू कर दी बदमाशों ने, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें गोकश इकराम के पैर में गोली लग गई। बाद में पुलिस ने घायल इकराम को अरेस्ट कर लिया, जबकि इस दौरान उसका साथी भागने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश में पुलिस कॉम्बिंग कर रही है। गाजियाबाद पुलिस ने एक ऐसे शातिर युवक को गिरफ्तार किया है जो फेसबुक के जरिए महिलाओं और लड़कियों की तस्वीरें डाउनलोड कर उन्हें फोटोशॉप करता था और फिर उन सभी महिलाओं को ब्लैकमेल किया करता था। आरोपी से परेशान एक महिला ने मामले में पुलिस की मदद ली, जिसके बाद पुलिस ने साइबर सेल की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास एक डायरी बरामद हुई है जिसमें 100 से ज्यादा महिलाओं और लड़कियों के फोन नंबर मिले हैं। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी प्रॉपर्टी डीलर का भी काम करता है।
एसएसपी ऑफिस में एक हस्बैंड आए थे, एक शिकायत उन्होंने दी थी मुझे, उसमें कहा गया था कि इनकी पत्नी का एक अश्लील फोटो बना के उनसे पैसों की डिमांड की जा रही है। तो उस पर गोपनीय तरीके से एक टीम लगा दी गई थी कि उससे गोपनीयता भंग ना हो, क्योंकि उनका पारिवारिक मामला था। और तो टीम ने कल एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की है, ये मनोज त्यागी नाम का व्यक्ति है। इसका मॉडस ऑपरेंडी ये रहता था कि फेसबुक से महिलाओं की और लड़कियों की, नाबालिग लड़कियां भी इसमें शामिल हैं, उनकी फ़ोटो डाउनलोड करता था और पोर्नोग्राफिक साइट से अलग फ़ोटो डाउनलोड करता था। और इसमें जो फेसबुक से फ़ोटो, जेन्युइन फ़ोटो डाउनलोड की हैं, इनके चेहरे को क्रॉप करके उन पे ये मॉर्फ कर देता था। उसके बाद उन महिलाओं के रिलेटिव्स के ये मोबाइल नंबर पता कर लेता था, कुछ की डिमांड करता था कि फला पैसे आप दे दो मुझे, 2 लाख रुपये दे दो, 1 लाख रुपये दे दो। CAA के विरोध में प्रदर्शन करने जा रही महिलाओं पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जुर्माना भरने का नोटिस जारी किया है। पुलिस ने बिना अनुमति प्रदर्शन करने वाली महिलाओं सहित 8 लोगों पर कार्रवाई की है। साथ ही शहर में नोटिस चस्पा कर बिना अनुमति प्रदर्शन करने वालों को चेतावनी भी जारी की है। आपको बता दें कि CAA के विरोध को लेकर हाईकोर्ट ने भी बड़ा बयान दिया है। हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान साफ कर दिया है कि CAA के विरोध में प्रदर्शन की मांग राष्ट्रहित में नहीं है। साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि भारतीय नागरिक होने के नाते हर हाल में शांति कायम रखना उसका कर्तव्य है, इसलिए याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। और इसी के साथ गंगा प्राइम में बस इतना ही, आगे जरूर देखिए उत्तराखंड प्राइम।